हाय, मैं जवाहरलाल, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके पहले वीडियो में मैंने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताया था आपको कि क्या आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं। बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन इज ए अनवांटेड फेनोमेना इन डीसी मशीन्स, तो हम यहाँ बताएंगे आपको, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को किस प्रकार हम लोग रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट मेथड है हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स। इसमें हम लोग पोल टिप्स के रिलक्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं। पोल टिप्स का रिलक्टेंस जब इंक्रीज होता है तो जो मेरा फ्लक्स है वो डिस्टॉर्शन कम होता है। क्यों? आप देखिए, यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है इस फिगर में, देखिए कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोल टिप्स के रिलक्टेंस को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं कि चैम्परिंग, पोल के फेस को चैम्परिंग करते हैं, मतलब इसेंट्रिक करते हैं। पहले क्या था कि ये आर्मेचर के कंसेंट्रिक था, लेकिन अभी ये इसमें इसके बीच में हम कॉपर का ये चूर्ण डालकर, कॉपर के वायर को डालकर इसको हम लोग फिलअप कर देते हैं। जब फिलअप कर देते हैं तो ये जो एयर गैप पोल सेंटर पर होता है, पोल फेस और आर्मेचर के बीच, ये कम होता है। एंड पोल टिप्स पर चूंकि हम नहीं डाले हैं तो पोल टिप्स पर एयर गैप वो लॉन्ग होता है। यहाँ भी पोल टिप्स पर एयर गैप लॉन्ग होता है। इससे क्या होता है कि मेरा जो फ्लक्स है वो इससे ज़्यादा निकलेगा तो वो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। सो ये डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सेकेंड मेथड है अनदर मेथड ऑफ निकलिंग रिलक्टेंस टू क्रॉस फ्लिक्स इज रिसेंबल अल्टरनेटली द पोल लेमिनेशन डिपेक्टेड इन फिगर बी। नाउ द इन फिगर बी हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन क्या करते हैं, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड राइट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट एंड सिक्स राइट, इस तरह हम लोग उसको लेमिनेशन एंड सो ऑन करते हैं, और जिससे कि हमारा फिर जो है ये पोल टिप्स का रिलक्टेंस इंक्रीज होता है, और जब ये इंक्रीज होगा तो वो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करेगा। नाउ द नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स। ये हमारा ड्यूरिंग द डिजाइन हम लोग क्या करते हैं कि मेन फील्ड फ्लक्स को पर इतना वाइंडिंग देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ग्रेटर द रेशियो ऑफ मेन फील्ड एमएमएफ टू फुल लोड आर्मेचर एमएमएफ लेस इज द डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस बाय द आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स एंड प्रीडोमिनेंट वुड बी कंट्रोल ऑफ फील्ड एमएमएफ ओवर द एयर गैप फ्लक्स। तो इसमें हम लोग वो जब देते हैं तो क्या होता है कि वो जो आर्मेचर के द्वारा जो आर्मेचर एमएमएफ निकलता है उसको वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट द इंटरपोल। इंटरपोल, इंटरपोल्स क्या है, इट इज ए स्मॉल पोल एंड इट इज फिटेड डायरेक्टली एग्जैक्टली बिटवीन द मेन फील्ड्स। और इंटरपोल को हम इस प्रकार जोड़ते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग कलेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सो दैट इंटरपोल एमएमएफ इज एबल टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन द इंटरपोलर जोन एट ऑल लेवल्स ऑफ लोड करेंट नॉट एक्सीडिंग द सेफ लिमिट। तो इसको इस प्रकार हम लोग कनेक्शन करते हैं कि इसका जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्शन हो, जिससे कि ये आर्मेचर एमएमएफ को जो इंटरपोलर जोन में पड़ता है उसको ये न्यूट्रलाइज करें। नेक्स्ट इज द कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है कि इसके कंपनसेटिंग वाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर अंडर द पोल शू कैन बी लिमिटेड बाय यूजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग इज इम्बेडेड इन स्लॉट्स कट इन द पोल फेसेस ऑफ डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स के फेस में हम लोग स्लॉट कट करते हैं, उसमें वाइंडिंग बैठाते हैं, उस वाइंडिंग में करेंट इस प्रकार हम लोग प्रवाह करते हैं उसको, उस वाइंडिंग को हम लोग आर्मेचर कंडक्टर के सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन करेंट इस प्रकार उसमें प्रवाह होता है कि वो आर्मेचर रिएक्शन को
न्यूट्रलाइज करे। सो यहाँ लिखा गया है कि दवानी मेड इन सच वे दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द कंपोजिट वाइंडिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द आर्मेचर फ्लक्स विथ एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ MMF एज द आर्मेचर फ्लक्स MMF। तो उस तरह हम लोग जोड़ते हैं ताकि आर्मेचर फ्लक्स का जो जो उसमें फ्लक्स जनरेट हो वो आर्मेचर फ्लक्स के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिससे कि हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सके। एंड इन द लास्ट शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेस, ब्रश को हम लोग शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा हम जान रहे हैं कि मैं जो डीसी मशीन का जो ब्रशेस रहता है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रहता है। जब मशीन लोडेड होता है तो ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि ब्रश वो शिफ्ट कर जाता है सम एंगल थीटा, वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर जाता है। जब शिफ्ट करेगा तो कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होगी और कम्यूटेशन स्पार्किंग होगा। उसको करने के लिए हम लोग ब्रश को भी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर उतने एंगल से शिफ्ट करना होता है ताकि हम लोग स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त कर सके और हम जो है आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।